أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस सेशन के अंदर हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट कैसे यूज़ किया जाता है, इसको एक्सेस करने के क्या तरीक़ाकार हैं और कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इंटरनेट के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होती हैं। द इंटरनेट इज़ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क्स दैट यूज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज़ कॉल्ड TCP/IP टू लिंक बिलियन ऑफ डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। एक्चुअली इंटरनेट कोई नई टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, बल्कि लास्ट सेशंस के अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टडी किया था। कंप्यूटर नेटवर्क्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं टू एक्सचेंज सम इंफॉर्मेशन, टू एक्सचेंज सम रिसोर्सेज, तो अगर हम नेटवर्क्स को कंबाइन कर दें तो वो कंबाइन नेटवर्क जो होता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। हमने नेटवर्क के टॉपिक के अंदर प्रोटोकॉल की बात की थी। प्रोटोकॉल आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि किसी काम को करने को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि आपने XYZ टास्क को कंप्लीट करना है और उसके ये रूल्स हैं, तो सिमिलरली आपके जो प्रोटोकॉल होंगे वो क्या होंगे, वो जो सेट ऑफ रूल्स आपके लिए डिफ़ाइन किए गए हैं, दैट इज़ योर प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट आपके पास एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं जो कनेक्टेड हैं और इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए वो TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। यानी कि नेटवर्क के अंदर अगर आप TCP/IP प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करें तो वो आपका जो नेटवर्क कहलाएगा उसे हम इंटरनेट कहते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों की तादाद के अंदर डिवाइसेस हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर आपस में कनेक्टेड हैं या कनेक्ट की जाती हैं। तो एक्चुअली इंटरनेट क्या है? द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इसे इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। सो देर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, अकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप लिंक बाय अ ब्रॉड अरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वायर्स एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। एक्चुअली आपके पास जो इंटरनेट है वो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जिसके अंदर मिलियंस की तादाद के अंदर प्राइवेट नेटवर्क भी हैं, पब्लिक नेटवर्क भी हैं, अकेडमिक भी हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी हैं और गवर्नमेंट के अपने नेटवर्क भी हैं। एक्चुअली पूरी दुनिया के जितने नेटवर्क्स हैं, मैं अगर इसको आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करूँ तो कुछ यूँ होगा कि दुनिया के जितने नेटवर्क अवेलेबल हैं उन नेटवर्क्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो द लार्जेस्ट नेटवर्क, जो एक रिजल्टेंट नेटवर्क सामने आता है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं, जिसके अंदर लोकल स्कोप से लेकर ग्लोबल स्कोप तक के तमाम नेटवर्क्स आते हैं। अब लोकल और ग्लोबल स्कोप का मतलब ये होता है कि जो लिमिटेड एरियाज़ के अंदर आप वर्किंग करते हैं उसे लोकल स्कोप कहते हैं और जो ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर यूज़फुल होती है उसे ग्लोबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझ लें कि आपकी कोई वेबसाइट है, या हम मार्ट, जैसे हम टीवी की अपनी एक वेबसाइट है हम आर्ट, हम मार्ट वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं जी ओनली फॉर कराची, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ कराची वालों के लिए है, दैट इज़ कॉल्ड लोकल स्कोप। अगर अलीबाबा एक्सप्रेस की बात करें तो ये इंटरनेशनल स्कोप के अंदर आती है, चूँकि ये पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो है वो डिलीवरी अवेलेबल है। सो दैट इज़ कॉल्ड लोकल एंड ग्लोबल स्कोप। सो लिंक बाय अ ब्रॉड अरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस भी हैं, वायर्स भी हैं, ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल होती हैं। तो इन शॉर्ट बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं इस नेटवर्क को इंटरनेट बनाने के लिए। सो द इंटरनेट कैरीज़ एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज सच एज इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि वेबसाइट्स हैं आपकी WWW के साथ जो होती हैं, इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिकल ईमेल्स हैं, जैसे आपकी जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, हम इनके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। टेलीफोनी है, स्काइप, ओवो और इस तरह के बहुत सारे मैसेंजर्स अवेलेबल हैं जो इंटरनेट के ज़रिए आप यूज़ करते हैं, जैसे ईमो आजकल बड़ा है, व्हाट्सएप है। सो
एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क्स फॉर फाइल शेयरिंग। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पेयर टू पेयर हैं, यानी कि लिंक्ड हैं आपस में वन टू वन कम्युनिकेशन के साथ, जिनका मेन पर्पस अपनी रिसोर्सेज को या फाइल्स को एक्सचेंज करना या इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो इंटरनेट है वो क्या है, द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जिसमें करोड़ों की तादाद के अंदर, मिलियंस, बिलियंस, इवन ट्रिलियंस की फॉर्म के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो सब मिलकर एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें पूरी दुनिया के नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड दैट कनेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप लोकली अपने ऑफिस के चार कंप्यूटर का आपने नेटवर्क बनाया, अब ये लोकल नेटवर्क है। अगर आप इसको अपने ऑफिस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑफिस का नेटवर्क पूरा हो गया। अगर आप इस ऑफिस को अपने दूसरे ऑफिस के साथ कनेक्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर इसको आप एक्सटेंड कर देंगे, पूरी दुनिया के अंदर इसका जाल बिछा देंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। इसे वाइड रेंज नेटवर्क भी कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। एक्चुअली जो आपका इंटरनेट होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है। द पॉपुलर टर्म फॉर द इंटरनेट इज़ द इंफॉर्मेशन हाईवे। इंटरनेट के लिए आमतौर पर जो बड़ी एक मशहूर टर्मिनोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन हाईवे। अब इंफॉर्मेशन हाईवे के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। जैसे आपके हाईवे रोड्स होते हैं, जैसे मोटरवे है, तो मोटरवे पे एनी टाइम बड़ी हाई स्पीड ट्रैफिक होती है, जीटी रोड पे एनी टाइम ट्रैफिक अवेलेबल होती है। तो सिमिलरली आपका जो इंटरनेट है ये नेटवर्क की दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन हाईवे है, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन हाईवे। नो वन ऑन इट, कोई इसका मालिक नहीं है, मतलब दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो क्लेम कर सके कि भी मैं इसका मालिक हूँ। आपके नेटवर्क, आपकी वेबसाइट की डिटेल आपके पास है, आपके कंप्यूटर में स्टोर है। अगर आप इंटरनेट के साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं तो पूरी दुनिया में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही है। लेकिन अगर आप अपने आप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं करते तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पा रही। तो इसलिए नो वन ऑन्स इट, इसका मतलब है दुनिया में कोई इसका क्लेम करने वाला मालिक नहीं है। सो इंटरनेट वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी जाती मालिक नहीं है, हर कोई इसका ऑनर है। इट हैज़ नो फॉर्मल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ना ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा अदारा है जो इसकी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करता है, कोई ऐसा अदारा अवेलेबल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफाइन होती हैं, जैसे IEEE है, ANSI है, ये दो अदारे हैं जो कि स्टैंडर्ड्स को चीज़ों के मेंटेन करते हैं टेक्नोलॉजीज़ के, बट इट डजेंट मीन के वो ऑनर हैं इस नेटवर्क के, ये इंटरनेट के मालिक नहीं हैं। इसी तरह ना ही इनकी कोई मैनेजमेंट है जो इसको ऑर्गेनाइज करे। As it was originally developed by the Department of Defense, चूँकि शुरू के ज़माने में इसको Department of Defense ने इसको develop किया था, this lack of centralization made it less exposed to wartime or terrorist attack। जिनका मेन मकसद पता क्या था कि सेंट्रलाइज किया जाए चीज़ों को, एक जगह पे रख दिया जाए कि अगर कोई चीज़ एक्सपोज होती है या वार टाइम पे कोई लड़ाई जंग शुरू हो जाती है या टेररिस्ट अटैक होते हैं तो हम सेंट्रलाइज तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, एक्सचेंज कर सकें इंफॉर्मेशन को। सो टू एक्सेस द इंटरनेट, अब बात ये आती है कि इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं। टू एक्सेस द इंटरनेट एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क नीड टू पे अ स्मॉल रजिस्ट्रेशन फी and agree to certain standards based on TCP/IP. अब TCP/IP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो स्लैश लाइन यूज़ हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब होता है ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए आप जो TCP/IP कर रहे हैं, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए उस बैकएंड पे स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक स्मॉल फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर मैं इन शॉर्ट डिफाइन करूँ तो आपकी जो इंटरनेट की फ़ीस आप पे कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर रजिस्ट्रेशन फ़ी। आपको PTCL वाले एक स्पेशल आपको यूज़र ID पासवर्ड देते हैं जो आपके मॉडम के अंदर कॉन्फ़िगर होता है, जिसकी बेस पर आपको बिल आता है, जिसकी यूज़िबिलिटी के ऊपर आपका बिल बनता है।